हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबॉटनी। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन पर। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाए। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, यानी प्लांट एंड एनिमल क्या होते हैं? तो पौधे तथा जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों में भोजन के तीन मूल वर्ग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, जिनमें प्रोटीन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो सभी जंतु व पादप कोशिकाओं के जीव द्रव में पाए जाते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के द्वारा बनी होती है, और इनके अणु में एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों यानी CONH द्वारा संलग्न होती है। पदार्थों को प्रोटीन नाम मुल्डर ने 1839 द्वारा दिया गया। प्रोटीन शब्द की रचना ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई, जिसका अर्थ फर्स्ट प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स का संगठन उनके स्रोत पर निर्भर करता है। संरचनात्मक रूप में प्रोटीन में साधारण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि तत्व उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त फास्फोरस, आयरन आदि तत्वों की उपस्थिति भी हो सकती है। प्रोटीन अणुओं का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है तथा अणुभार बहुत उच्च होता है, यानी 10,000, 60 लाख या इससे अधिक हो सकता है। फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सल्फर, फास्फोरस, आयरन आदि भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का औसत संगठन है इस प्रकार है, ये जो सारणी है इसकी, प्रोटीन बा तात्विक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, इसकी ये प्रतिशत मात्रा यानी 45 से 55, 6 से 9, 12 से 30, 10 से 32, और ये आगे इसकी ये प्रतिशत मात्रा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। तो इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी क्लासिफिकेशंस की। तो जो प्रोटीन के भौतिक गुण होते हैं, ये घुलनशील भी होते हैं, और ये वर्गीकरण 1907 से 8 में दिया गया। तो अब सिंपल प्रोटीन्स और होलो प्रोटीन्स की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रोटीन्स और होलो प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जल में अपघटित हो जाते हैं और अल्फा एमिनो का मिश्रण देते हैं। इसमें घुलनशीलता के आधार पर अनेक यानी उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। इस समूह को प्रोटीन के मुख्यतः ग्लोबुलर एवं अल्प मात्रा में रेशेदार प्रोटीन आती है, जिन्हें स्केलेरो प्रोटीन अथवा एल्बुमिनाइड्स कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट है एल्ब्यूमिन में, ये प्रोटीन जल अम्ल तथा क्षार में घुलनशील एवं ऊष्मा तथा अमोनियम सल्फेट विलयन में स्कंदित यानी कोगुलेट हो जाती है। बीजों में इनकी उपलब्धता अधिक होती है तथा प्रकृति में विस्तार पूर्वक पाई जाती है। इनमें ग्लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। एग्जाम्पल है सीरम एल्बुमिन, लैक्टो एल्बुमिन यानी दूध, अंड एल्बुमिन अंडे का सफ़ेद भाग, ल्यूकोसिन गेहूं व जौ तथा लिग्योमिलाइन यानी दलहन आदि। अब सेकंड की बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। तो ये प्राय जल में अविलय एवं तंतु अम्लों क्षारों एवं लवणों के सांद्र घोलों में विलय होती है। ये ऊष्मा तथा अमोनिया से सल्फेट विलयन द्वारा स्कंदित हो जाती है। इनमें प्राय सभी एमिनो अम्ल पाई जाती है। ये स्यूडो ग्लोब्यूलिन जल में विलय तथा युग्लोब्यूलिन जल विलय नामक दो प्रकार की होती है। उदाहरण है टेस्टू ग्लोब्यूलिन यानी ऊतक, सीरम ग्लोब्यूलिन रक्त, अंड ग्लोब्यूलिन अंडे की जर्दी, इंडेस्टिन अनाज, जीन मक्का, आमंडित बादाम आदि। अब सेकंड थर्ड की बात करते हैं तो ग्लूटेलिन्स की। ये जल एवं लवणों के तनु विलयनों में अविलय परंतु तनु अम्लों व क्षारों में विलय होती है,
और इनका स्रोत वनस्पति है। इनका स्कंदन ऊष्मा द्वारा होता है, इसमें ग्लूटामिक आर्जिनिन एवं प्रोलिन की अधिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल है ग्लूटेनिन गेहूँ, ओराइजेनिन चावल, हार्डिन जौ आदि। फोर्थ है प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स जल एवं लबड़ों के विलयन में अघुलनशील एवं तनु अम्ल क्षार व एल्कोहल से 70-90% में घुलनशील होती है। ये अनाजों के प्रमुख प्रोटीन है। इसमें प्रोलीन एमिनो अम्ल की बहुलता एवं लाइसिन का अभाव होता है। उदाहरण है ग्लिएडिन गेहूँ, हार्डिन जौ तथा जीन मक्का आदि। एल्बुमिनाइड ये अत्यंत जटिल प्रोटीन है। ये जल तनु अम्ल क्षार तथा लवणीय विलयनों में अभिलय होती है। इन पर एंजाइम एवं रसायनों का बहुत क्रम प्रभाव होता है, परंतु ये सांद्र अम्लों एवं क्षारों में विलय होती है। ये जंतु में कंकाल का निर्माण करती है, जिससे इन्हें इसके लोरोप्रोटीन कहा जाता है। दूसरा है, सेकंड है संयुग्मी प्रोटीन यानी कंजुगेटेड प्रोटीन। संयुग्मी जो कंजुगेटेड प्रोटीन जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल के मिश्रण के अतिरिक्त प्रोटीन यानी नॉन प्रोटीन भी प्रदान करती है। नॉन प्रोटीन पदार्थ प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। अप्रोटीन भाग न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरिक अम्ल व लिपिड आदि हो सकते हैं। इनके आधार पर इस समूह को प्रोटीन का नामकरण होता है। इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये हिस्टोन व प्रोटोमिन सरल क्षारीय प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल के संयोग से बनी होती है। इनका प्रोस्थेटिक समूह न्यूक्लिक अम्ल होता है। जीवों यानी जंतु व पौधों की कोशिकाओं में न्यूक्लिक प्रोटीन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल है न्यूक्लिन, न्यूक्लियो प्रोटेमिन और न्यूक्लियो हिस्टोन आदि। सेकेंड है फास्फोप्रोटीन। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनमें प्रोस्थेटिक समूह फास्फोरिक अम्ल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसीन यानी दूध, वाइटेलिन यानी अंडे की जर्दी। क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जैविक कार्यों हेतु महत्वपूर्ण होती है तथा ये रंगीन प्रोस्थेटिक समूह की प्रोटीन होती है। उदाहरण है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड, साइटोक्रोम बफलेवो प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते तो इनका प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट्स होता है तथा इसके अंतर्गत म्यूकोप्रोटीन आती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% होती है। फॉर एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलिन यानी सीरम और अंडा, म्यूसलिन लार ओवोम्यूकॉइड। थर्ड है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन आकार में मूल प्रोटीन के समान अथवा छोटी होती है। ये संयुग्मी प्रोटीन के जल ऊष्मा एंजाइम अथवा रासायनिक प्रतिकारकों द्वारा आंशिक अपघटन तथा विखंडन के पश्चात प्राप्त पदार्थ व्युत्पादित प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पादित प्रोटीन को दो उपसमूहों में विभाजित किया जाता है। तो फर्स्ट है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन। ये जल और लबड़ों के तनु विलयनों में अविलय परंतु अम्ल व क्षार में विलय होता है। इनका निर्माण मूल प्रोटीन के आंशिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रोटीन आती है। तो इसमें ए है प्रोटीनस। प्रोटीनस का निर्माण मूल प्रोटीन में जल तथा एंजाइम द्वारा आंशिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे मायोसन, मायोसिन, इडास्टन, इडास्टिन। बी है मेटा प्रोटीन। मूल प्रोटीन पर अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है, जैसे अम्ल एवं क्षार मेटा प्रोटीन्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो विभिन्न प्रतिकारकों द्वारा प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्लों का एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे प्रकट होता है कि प्रोटीन अणु एमिनो अम्लों के परस्पर संयोग से बनते हैं। इसलिए एमिनो अम्ल प्रोटीन संरचना के आधार पर शिलाएं कही जाती हैं। प्रोटीन अणु में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु ये आपस में किस प्रकार संयुक्त होते हैं ये अनेक सिद्धांतों पर निर्भर है। इन सिद्धांतों में अमिल
एमिल फिशर का सिद्धांत सरल एवं अधिकांश सर्वमान्य है। एमिल फिशर एवं हॉफमिस्टर 1902 ने 28 एमिनो अम्ल का आपस में संयुक्त कराने पर सफलता प्राप्त की। इनके मतानुसार एमिनो अम्ल आपस में एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह से एक रेखीय रूप में पेप्टाइड बंध CONH द्वारा जुड़ी होती है। इस संयोग में जल अणु बाहर निकल जाते हैं। इसका ये जो निकल जाते हैं, ये देखिए एमिनो अम्ल से पेप्टाइड लिंकेज डाइपेप्टाइड अम्ल बनाता है, यानी एसिड बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएँ।